अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फ्रेश मूड में हूँ व्यूअर्स। जी हाँ, आज हम व्यूअर्स आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जो मशहूर है अपनी तीन अहम चीज़ों की वजह से, जो शायद आप भी ना जानते हों। तीन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। नंबर वन है, जहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडोस तैयार किए जाते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जहाँ पे कमांडोस हमारे ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ से हमारे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कमांडोस तैयार होते हैं। और नंबर टू, जहाँ एशिया की सबसे तवील तरीन जिप लाइन मौजूद है। और लास्ट नंबर थ्री, मौसम, यानी जुलाई में भी आपको फरवरी जैसी ठंडी ठंडी शामें भी मिलती हों। जी हाँ व्यूअर्स, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ केपीके के एक छोटे से इलाके की, जो चिराट के नाम से जाना जाता है और इस्लामाबाद से तकरीबन 2 से 3 घंटे के दर मुसाफत पर मौजूद है। तो आई व्यूअर्स, मैं आपको उसके रास्ते के बारे में आइडिया दूँ। तो व्यूअर्स जी, अभी मैं आपको रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। आपको इस्लामाबाद से चिराट जाते हुए 2 रास्ते हैं, एक है जीटी रोड, दूसरा है मोटरवे ऑप्शन। जी, जीटी रोड के बारे में आपको मैं बता दूं, आप जब इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाते हैं तो नुशहरा से गुज़रते हुए पब्लिक के मकाम पर जैसे ही मेन बाज़ार से निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड पर टर्न करते हुए एक रोड जाती है जो सीधे आपको 45 मिनट के मुसाफत पर चिराट का इलाका दिखा देगी, ठीक है व्यूअर्स। और अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, तो आप इस्लामाबाद से पेशावर की जानिब जब जा रहे हो तो रशकई मर्दान इंटरचेंज पर उतरकर आप जीटी रोड के थ्रू जब पेशावर की तरफ गामजन हो तो रास्ते में पब्बी बाज़ार से जैसे ही क्रॉस कर लें आप, तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक टर्न होगा, एक सड़क जाएगी जो कि सीधे चिराट की तरफ जाता है। तो व्यूअर्स आइए, मैं साथ साथ आपको इलाके के बारे में आइडियाज़ और टिप्स भी देती जाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये अभी हम लोग पब्बी मेन बाज़ार क्रॉस कर चुके हैं और पेशावर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ तकरीबन 5 से 10 मिनट के फासले की मुसाफत पे लेफ़्ट साइड पे अभी एक टर्न आएगा जो आप बहुत जल्द देखेंगे, जो सीधा चिराट की जानिब जाता है, तो वेट कीजिए। अब देखा व्यूअर्स, ये है, ये टर्न आ गया, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपके लगेंगे और ये मेन आप गेट है चिराट की जाने। ये आप लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे और ये रोड तकरीबन 45 मिनट की मुसाफत पे हम डायरेक्ट चिराट पहुंच जाएंगे अपने मकाम पर। तो चलें व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये अभी मैं कैमरा छुपा छुपा के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस इलाके में ख़ास इंस्ट्रक्शंस थे कि यहाँ पे वीडियो की परमिशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपने देखा बाउंड्री वॉल से, तो इसके अंदर कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए व्यूअर्स, ये अभी हम लोग चिराट के इलाके में आराम आराम से जा रहे हैं और सोने इंशाल तो सो रहे हैं और हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट नज़दीक हैं अपनी मंजिल के जाने। जी व्यूअर्स, चिराट की जानिब जाते हुए आपको दाएं और बाएं तरफ खूबसूरत मनाज़िर मिलते हैं और आलूदगी से पाक और शहर के शोर और गुल से बिल्कुल दूर एक पुरसकून माहौल आपको मैसर होगा। और हाँ व्यूअर्स, ये बताना मैं भूल गई हूँ, यहाँ का रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, तो काइंडली सफ़र से पहले अपनी गाड़ी का चेकअप कराना मत भूलिएगा और फ्यूल भी भर दीजिएगा, क्योंकि सड़क तो अच्छी है मगर कोई भी पेट्रोल पंप या कोई भी स्टॉप स्पॉट मौजूद नहीं है, तो व्यूअर्स एहतियात कीजिएगा।
तो व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं अपने एंट्री पॉइंट यानी मेन गेट पे, जहां से हमें परमिशन कार्ड मिलेगा। जहां हमें किसी किस्म की वीडियो या पिक्चर्स की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहां पर एक लाजमी बात बताती चलूँ व्यूअर्स आपको कि चिराट आने से पहले आपको 2 से 4 दिन पहले जिप लाइन के लिए बुकिंग करानी पड़ती है। और दूसरी बात कि यहां सिंगल रोड है, तो ड्राइविंग करते हुए ज़रूर एहतियात कीजिएगा। तो व्यूअर्स, फाइनली हम चिराट पहुंच चुके हैं और अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम और आपसे चाहेंगे इजाज़त। सोनू, ईशाल, मुझे दी इजाज़त। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे आपको मैं सैर कराऊंगी, यहाँ के ज़िप लाइन और यहाँ का म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए। तो व्यूअर्स, मुझे दे इजाज़त। मम्मा किड्स इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।